नमस्कार, आज हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि प्लेट कैसे डाला जाता है। ब्लाउज का प्लेट डालने में हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे है, मतलब कैसे दुबले पतले लोगों में कैसे पड़ता है, थोड़ा तंदुरुस्त है या चेस्ट भारी है, तो हम प्लेट कैसे डालें कि जो सही आ जाए, तो इसके बारे में आज हम दिखाएंगे आपको सिल के कि कैसे प्लेट डाला जाता है। पहले ये नीचे वाला प्लेट डालेंगे, ये सादे ब्लाउज का प्लेट है, जो सादा ब्लाउज है। बेल्ट वाला रहेगा तो फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये सादे ब्लाउज का बेल्ट ये प्लेट है, तो ये सबसे पहले हम नीचे वाला डालेंगे प्लेट सिलाई करेंगे, जो कि हम ये एक इंच की दूरी लेके ये डालेंगे, क्योंकि हमको ये कटोरी ज़्यादा गहरा नहीं बनाना है, इसलिए हम बहुत हल्का प्लेट डालेंगे। हम बताइए, ये प्लेट मेरा पड़ चुका है, तो अगर ये हमको कटोरी जैसे कि ये ज़्यादा बड़ा बनाना है या मतलब गहरा कटोरी बनाना है, तो ये प्लेट हमको और गहरा करना पड़ेगा। ये जो हम प्लेट डाल रहे हैं इतना गहरा ये करना पड़ेगा, कम से कम ये आधा इंच। ये तो मतलब एजड आदमी का है, इस वजह से हम बहुत हल्का प्लेट डाल रही हूँ। तो ये प्लेट आप जितना गहरा करेंगी उतने प्लेट आपका ये कटोरी बड़ी बनेगी। ठीक है, अभी ये प्लेट डालेंगे हम। ये प्लेट जो साइड वाला प्लेट है, ये प्लेट हम पतला बराबर डालेंगे। ये साइड का प्लेट है, इस वजह से ये प्लेट हम पतला डाली बराबर। ये प्लेट है, थोड़ा हम इसे चौड़ा करके डालेंगे। ये जो कंधे के ऊपर प्लेट है आस्तीन पे, तो इस जगह पे हम थोड़ा ये चौड़ा डालेंगे, जैसे कि यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इतना चौड़ा डालेंगे, फिर धीरे धीरे लाके पतला करेंगे। ये प्लेट है, ये प्लेट आगे वाला जितने गहरा करेंगे हम, अगर हमको ये कटोरी गहरा बड़ा बनाना है, तो उसकी वजह से हम ये प्लेट इतने पे डालेंगे, कम से कम ये आधा इंच पे। और अगर पतला प्लेट डालना है तो मतलब कटोरी छोटी करनी, इस वजह से हमें पतला प्लेट डालना है। तो ये रहा मेरे सादे ब्लाउज का प्लेट। अगर ये प्लेट आपको पसंद आया हो समझ में, तो कमेंट द्वारा हमको ज़रूर बताइएगा, और जो ना समझ में आया होगा तो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो द्वारा, ताकि हमको पता चले, आगे वीडियो में हम आपको और भी गहरा समझा सकें। आप प्लेट डालते समय जैसे कि आप कपड़ा और ये प्लेट दोनों एक साथ पकड़ रही हैं, अगर पकड़ने में आपको दिक्कत हो रही है कि जैसे कपड़ा छूट जा रहा है, अस्तर कभी कभी सिलाई हो जाता है, कपड़ा छूट जाता है, तो जो हम ये निशान बनाती हूँ, इस निशान पे आप सीधा पहले मशीन चला लीजिए, उसके बाद आप पकड़ के प्लेट डालेंगी, तो आपका प्लेट कन्फर्म सही पड़ेगा। तो इस तरह मेरा ये दोनों प्लेट पड़ चुका है, और ये प्लेट आपको कैसा समझ में आया ये कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।